ओके तो कर्ण हमने यहाँ तक इसको बता दिया था। अब इसमें लिखिए, इसे लिखिए ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से। अगर ओम के नियम देखा जाए तो ओम का नियम क्या कहता है? ओम के नियम कहता है कि भी इज इक्वल टू आई आर, यानी किसी कंडक्टर में आगे पढ़ाया जाएगा ओम का नियम, कि ओम का नियम क्या होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ओम का नियम। ओम का नियम हुआ वोल्टेज किरचॉफ लॉ, वोल्टेज करंट लॉ, ये सब बेसिक इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट की है, कह सकते हैं ये की पॉइंट है, तो इसको जानना हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम आगे ओम का नियम देखेंगे, बस अभी आप दिमाग में इतना रखेंगे कि ओम का नियम होता है वी इक्वल टू आई आर, आई आर। दूसरी बात ये सीरीज कनेक्शन वो कनेक्शन होता है जिसमें करंट केवल एक ही रास्ते से निकलता है, या कह सकते हैं कि जिसमें एक ही रास्ता हो वही सीरीज कनेक्शन होता है, करंट को पास करने के लिए एक ही रास्ता हो, आगे बताया जाएगा। तो अगर ओम के नियम से देखा जाए तो वी इक्वल टू वी, जो पूरे परिपथ का वोल्टेज है, अब वी इक्वल टू आई आर होता है। आई अगर यहाँ जा रहा है तो सीरीज में करंट क्या होता है, सीरीज में करंट क्या होता है, इक्वल होता है। तो जब यहाँ करंट जाएगा तो इक्वल होगा तीनों में, तो इसका जो ड्रॉप होगा वो अलग अलग होगा। तो अगर ड्रॉप यहाँ हो जाएगा आई आर वन आई आर टू प्लस आई आर थ्री आई आर थ्री। अब बताइए, अब तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या है, देखिए तीनों में कॉमन है आई, तीनों में कॉमन है आई, तो आई को हम कॉमन ले लेंगे, आई इक्वल टू आर वन आर टू आर थ्री। तो वी इक्वल टू आई कहेंगे आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अब देखिए पूरे वोल्टेज का, पूरे परिपथ का वोल्टेज जो है, पूरे परिपथ का वोल्ट भी विभवांतर क्या है भी, और करंट क्या है आई। तो पूरे कहोगे कि ओम के नियमानुसार यदि संपूर्ण परिपथ का विभव भी हो तथा करंट आई हो, तब तुल्य प्रतिरोध आर आर तब तुल्य प्रतिरोध आर होगा, आर होगा, ये ब्रैकेट में लिखना था, आर होगा। तो अगर भी इक्वल टू आई आर होगा तो आई अपन भी अपन आई को क्या लिख सकते हैं, आर। यही क्या है, यही सीरीज कनेक्शन है, यही सीरीज कनेक्शन है। इसके नीचे लिखिए आप लोग सीरीज कनेक्शन में, इसके नीचे लिख दीजिए सर्किट में लगे सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, सर्किट में लगे सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट ये अब देखो इसी को अगर देखो, अगर ये मान लेते हैं कि सभी आर तो क्या हो जाएगा, थ्री आर। तो कह सकते हैं, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, यदि परिपथ में लगाए गए सभी रेजिस्टेंस या प्रतिरोध का मान समान है तब परिपथ में लगे एक रेजिस्टेंस
लगे एक रेजिस्टेंस तथा कुल प्रतिरोधों के संख्या के गुणनफल के कुल प्रतिरोधों के संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात ये लिख लेंगे अर्थात R इक्वल टू ये टोटल है टोटल लिख लेना अर्थात R इक्वल टू R या NR जहां n बराबर प्रतिरोधों की संख्या प्रति परिपथ में लगे प्रतिरोधों की संख्या प्रतिरोधों की संख्या की संख्या हो गया। चलिए एक लाइन और लिखिए आज क्वेश्चन सॉल्व करना है इसका एक लाइन और लिखिए प्रतिरोध का वह कनेक्शन प्रतिरोध का वह संयोजन जिसमें धारा प्रवाहित होने का धारा प्रवाहित होने का केवल एक रास्ता होता है श्रेणी संयोजन कराता है। इसका कुछ गुण लिखिए, सीरीज कनेक्शन का गुण लिखिए, श्रेणी क्रम का संयोजन में कुछ गुण लिखिए। पहला गुण, करंट समान होता है, पूरे परिपथ में करंट समान होता है या सभी प्रतिरोध में करंट समान होता है। वोल्टेज डिफरेंट होता है, भिन्न भिन्न होता है। दूसरा पॉइंट, वोल्टेज भिन्न भिन्न होता है। बस इतना काफी है। हेडिंग डालिए समांतर संयोजन या पैरेलल कनेक्शन। हेडिंग डालिए समांतर संयोजन या पैरेलल कनेक्शन। इंग्लिश है उसका समांतर संयोजन पैरेलल कनेक्शन। देखिए इसमें परिपथ में लगे सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा किसी एक बिंदु पर मिलता है तथा दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु पर मिलता है, तब ऐसे संयोजन को समांतर संयोजन कहते हैं। अब ये सिरा जो हम बोल रहे हैं बार बार, सिरे की जो बात हम कर रहे हैं प्लस माइनस का, ये जब सर्किट सॉल्व करोगे तब समझ में आएगा कि ये हम क्यों बोल रहे थे एक्चुअल में। अभी ये नहीं समझ में आ रहा है सीरा पीरा ये क्या बोल रहे हैं, एक्चुअली ये किताबी लैंग्वेज नहीं है, ये लैंग्वेज बनाया जा रही है, अपने लैंग्वेज में बोला जा रहा है। तो ये तुमको जब सर्किट को सॉल्व करोगे तो तुमको पता चलेगा कि हाँ इसका एडवांटेज है। हम बताएंगे अभी आगे चल के सीरा क्यों बढ़ता रहा है, अभी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो उसमें बता देंगे कि क्यों ऐसा कर रहे थे, तो तुमको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये इसका एडवांटेज है। अब इन द सेंस, अब देखो जैसे अब मान लेते हैं हमने क्या बोला, हमने कहा कि किसी परिपथ में लगे सभी रेजिस्टेंसों का एक सिरा, सभी प्रतिरोधों का एक सिरा किसी एक बिंदु पर था, सभी रेजिस्टेंसों का दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु पे कनेक्ट हो, तो ऐसे संयोजन को हम क्या कहेंगे, समांतर संयोजन
कहते हैं। जैसे देखो मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस ये है R1, एक रेजिस्टेंस ये है R2, एक रेजिस्टेंस ये है R3, अगर इस तरह का है, इस तरह का है, ये कॉमन पॉइंट हुआ। अब देखो अभी तुमको पता नहीं है ना कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा पहला है कौन सा दूसरा है। हमने क्या कहा, देखो कभी भी जो बैटरी होती है, इसके बाद का जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे बैटरी ही पढ़ाएंगे, बैटरी में ही पता चल जाएगा तुमको। जब जब तुम बैटरी ऐड बैटरी जोड़ते हो तो उसमें देखते हो प्लस माइनस कनेक्शन, हेलो क्लास में है, क्लास की बात कर रहे हैं, क्लास में है, हाँ तो सॉरी फादिस। तो कभी भी जब बैटरी को तुम ऐड करते हो, मान लो एक बल्ब है, एक बल्ब है उसको तुम बैटरी से ऐड करना चाहते हो, तो तुम ये देखते हो कि एक बैटरी में क्या होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, उसमें खूंटी पे पहले जो बैटरी हम लोग लाते थे या इन्वर्टर की बैटरी देखोगी उसमें क्या किया रहता है, जो खूंटी निकल रहती है बैटरी का, एक पे प्लस एक पे माइनस इंगित रहता है। और तुम बल्ब का जो वायर होता है, बल्ब में दो वायर होता है, एक रेड कलर का रहता है एक ब्लैक कलर का रहता है, या ऐसा भी हो सकता है रेड ग्रीन कर सकता है, वो जैसे भी करे पर एक एक होता है, दो वायर का कनेक्शन होता है। अब उस वायर में एक फेज होता है एक न्यूट्रल होता है, लेकिन हम उसको ये कहते हैं कि एक प्लस एक माइनस, तो हम प्लस माइनस मिला के कनेक्ट कर देते हैं, वो इजीली काम करता है। तो वही चीजें हैं, मान लो ये बैटरी है, ये बैटरी है, जब भी वोल्टेज सोर्स की बात होगी तो बैटरी कहो वो भी वोल्टेज सोर्स है, विभव कहो वो भी वोल्टेज सोर्स है, तो सभी जो सोर्स हैं जो बल्ब को जला रहे हैं, जो एक्टिव एलिमेंट इन द सेंस ये होता है कि जो पावर दें, पैसिव एलिमेंट होते हैं वो जो पावर दें, तो जितने भी एक्टिव एलिमेंट हैं उनको एक तुम अपने दिमाग में ये सिरानियों बना के चलोगे कि एक सिरा उसका प्लस एक सिरा उसका माइनस। जैसे बैटरी है, देखो बैटरी में प्लस है माइनस, कैसे डिसाइड करोगे, तो प्लस 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 माइनस 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 पाके खत्म। आखिर इस पंखे का या इस बल्ब का दो सिरा होगा और दोनों कनेक्ट होगा ना इससे, तो देखो एक वायर रहा ऐसे कनेक्ट हुआ है, फिर इसका भी तो ऐसे होगा प्लस माइनस, तो देखो माइनस माइनस से कनेक्ट है प्लस प्लस है। ऐसा नहीं ना कि यहाँ प्लस कर दोगे, यहाँ प्लस करोगे तो ये जो वायर है ये वायर क्या ऐसे लाओगे, क्या ऐसे नहीं लाओगे, ये वायर तो फिर एक ही रास्ता होगा ना, एक ही रास्ता होगा। एक बात याद रखना, करंट का एक ही डायरेक्शन होगा, तो ये बताओ जो अगर तुम यहाँ प्लस कर रहे हो तो इसकी फिर ये वापस नहीं जाएगा ना, यहाँ ऐसे नहीं आएगा ना, करंट का डायरेक्शन एक ही नहीं, तो ऐसे चलेगा ना, तो करंट कहाँ चलता है। करंट एक एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है करंट की, देखो हम भूल गए थे, उसमें लिखना चाहो तो एक पॉइंट बढ़ा सकते हो करंट में। करंट में एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि करंट हर वक्त करंट हर वक्त हायर टू लोअर चलता है, करंट हर वक्त हायर टू लोअर चलता है, यानी कि कह सकते हो। अब देखो हायर लोअर से क्या मतलब है, अब इलेक्ट्रिसिटी में हायर कहाँ से देखें लोअर कहाँ से देखें, कहने का मतलब अगर दो गड्ढे में पानी डालने हो ऐसे करके, या ऐसे ही देखते होगे खेतों तो में जब बारिश होती है तो जहाँ पानी ज्यादा रहता है, जहाँ पानी कम रहता है वहाँ फ्लो करने की वो प्रकृति रखता है, तो बार बार जो ज्यादा है पानी वो कम वाले में जाके बैलेंस होता है। अगर ऐसा जाके तो दोनों भर जाएंगे तो सेम हो जाएंगे, पर करंट ये सेम पानी देखो जब भी तुमको यूटिलाइज करना हो, मतलब अपने नेचुरल जीवन से कनेक्ट करना है, तो यही कनेक्ट करोगे कि पानी इन द सेंस ऑफ फिजिकल एंड करंट इन द फिजिकल नहीं है, ये फिजिकल है। अगर देखना चाहो तो करंट को देखना हो तो करंट इन द सेंस आप पानी कह सकते हो, लेकिन ये नॉर्मल जीवन होगा और हमारा करंट जो है वायर में ही रहेगा, जिसको हम कभी देख नहीं सकते इंडिविजुअल, नंगे ताको से हम उसको देख नहीं सकते, ठीक है। तो करंट, अब ये बताओ करंट कहाँ चलता है, हायर टू लोअर, हायर इन द सेंस जब प्लस, इसमें कहा जाएगा प्लस से मतलब ये होता है कि कोई आदमी पॉजिटिव है, अरे भाई पैसा तुम्हारे पास है तो तुम महान हो, प्लस में हो, नहीं है तो किसी से दिए हो कर्जे में हो, यानी माइनस, यही प्लस माइनस दिखाता है। तो जो ऑलरेडी माइनस में हो कहाँ से किसी को पैसे देगा, जो प्लस में हो ही पैसा देगा, यानी कि हायर वाला ही लोअर वाले को दे सकता है, तो प्लस वाला ही चलेगा, तो प्लस 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 प्लस, तो यही ना प्लस होगा, यही ना माइनस होगा, तब ना करंट निकलेगा प्लस से माइनस, कि यहाँ कर दोगे, यहाँ करोगे क्या प्लस, यहाँ माइनस करोगे, यहाँ से करंट आ रहा है क्या, करंट यहाँ से आ रहा है, गलत है, गलत है। तो वो प्लस वाले को प्लस से कनेक्ट करो, माइनस वाले को माइनस से कनेक्ट करो। हमने पहले ही बता दिया है कि प्लस वाले को पहला सिरा मान लेना, माइनस वाले को दूसरा मान लेना, हमने पहले बता दिया है। जब हमने ऐसा कर ही दिया है तो बताओ इसमें देखो, इसमें अलग जा रहा है, इसमें अलग जा रहा है, इसमें अलग जा रहा है। अब देखो हमने कहा कि सभी प्रतिरोधों का एक सिरा, देखो सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक जहाँ कनेक्ट है, इसका भी यहाँ कनेक्ट है, इसका भी, इसका भी, और हमने कहा कि सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट है, तो ऐसे कनेक्शन को क्या कहोगे, ऐसे कनेक्टर को समांतर कहोगे,
ये समानता का निशान बनाओ, इसे इसे बनाओ, जल्दी बनाओ। पांच करके वीडियो बना लोगे तुम लोग, हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा तेजी से चला जाए। ठीक, अब यहां पे देखो करंट डिवाइड हो रहा है R1, R2, R3, जबकि पहले केस में ऐसा नहीं हो रहा था, पहले केस में ऐसा नहीं हो रहा था। फिर करोगे ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, ओम के नियम से ओम का नियम क्या कहता है, V=IR, लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं I=V/R, लिख सकते नहीं सकते हैं। पैरेलल कनेक्शन की एक बात होती है, पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में एक मजेदार बात यह होती है कि इसमें सारा वोल्टेज जो यहाँ पे है वही भी यहाँ होगा, यही ये सब जगह वोल्टेज एक ही होगा, सब जगह वोल्टेज सेम होगा, तो सेम होगा तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे इसको देखो, आई वहां पे क्या कर रहे थे, जैसे मान लेते हैं करंट तो सबका डिफरेंट डिफरेंट है, सीरीज में क्या वोल्टेज डिफरेंट है, यहाँ करंट डिफरेंट डिफरेंट है, हम IT=लिखेंगे I1, I2, I3। अब यहाँ पे देखो I1 के जगह क्या कर सकते हो, I1 के जगह कर सकते हो V/R1, I2 के जगह V/R2, और R3 के जगह V/R3। अब यहाँ से V कॉमन लोगे तो V=1/R1, 1/R2, 1/R3, और यहाँ पे क्या है I है, I टोटल है, ये V है, बात तो एक ही है, I को या चलो ये IT ना करके I ही कर दो, जब यहाँ तो डिफरेंट हो ही जा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो I को यहीं रहने दोगे, V को यहीं रहोगे तो बट्टे हो जाएगा, यहाँ 1/IR2R3, नोट करो इसे, इतना नोट करो, ये दिख नहीं रहा है क्या, नहीं ये दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, सही कर दे रहा है, V=1/R1, R2, R3, अब दिख रहा होगा R3, ठीक है R1, R2, R3, नोट करो जल्दी। हो गया, अब देखो यदि ये परिपथ का कहोगे, यदि परिपथ का जैसे लिख लो, माना परिपथ का कुल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध R है तो क्या आ जाएगा जी, I/ क्या लिखते हो, I/ देखो अगर ओम के नियम से यहाँ रखा गया है तो लिख सकते हो R=V/I, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो I/V है, तो जब दोनों को पलट दोगे तो हो जाएगा, दोनों को जब पलट दोगे तो हो जाएगा 1/R I/V, तो देखो यहाँ पे वही है, इसके जगह हम लिख सकते हैं 1/R R1 R2 R3, नोट करो यही है पैरेलल कनेक्शन, जल्दी नोट करो, टाइम क्या हो गया इसमें, जल्दी नोट करो। हो गया ये तो ये क्या निकल के आया, RT निकल गया। अब कहोगे यदि लिखने की जरूरत नहीं है, यदि कह दो R1=R2=R3=R R कर दें तब क्या हो जाएगा 1/RT R R R R कॉमन लोगे तो ऊपर क्या जाएगा 3 R। इससे कंक्लूजन ये बनता है कि अगर परिपथ में सभी रेजिस्टेंस, यदि परिपथ में सभी रेजिस्टेंस सेम हो, क्या हो, सभी रेजिस्टेंस सेम हो, जितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, परिपथ में जितना रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, RT=हो जाएगा नंबर ऑफ रेजिस्टेंस n है, n बराबर 4, 5, 6, 7 जो भी है, बट्टे हो जाएगा R। ये R वो है जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है,
ठीक है, यही आंसर है। और अगर डिफरेंट नहीं है, सेम नहीं है तब ये रहेगा, अगर सेम है तो ये रहेगा। नोट करो जल्दी, नीचे एक डिफिनेशन और लिख लो, इसको नोट करने के बाद लिखो एक डिफिनेशन और, लिखो पास करके वीडियो लिख लोगे, लिखो एक डिफिनेशन और। प्रतिरोध का वह कनेक्शन या प्रतिरोध का वह संयोजन जिसमें 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 सभी प्रतिरोध एक ही सप्लाई जिसमें सभी सभी प्रतिरोध एक ही सप्लाई से जुड़े हों, एक ही सप्लाई सोर्स के आर का आर पार जुड़े हों, एक ही सोर्स से जुड़े हों, तो ऐसे कनेक्शन को पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। ऐसे कनेक्शन को पैरेलल कनेक्शन कहते हैं, पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर ऐसा कोई है सर्किट कि एक ही कनेक्शन से जुड़े हों, मतलब एक ही सोर्स का इन द सेंस का सिंपल भाषा में गुड़ लिख लो, गुड़ लिखो पता चल जाएगा। नीचे लिखो गुड़ नहीं, इसी में एरो डार्क लिख लो, एरो डार्क लिख लो। पैरेलल कनेक्शन में या समांतर श्रेणी समांतर क्रम में सभी प्रतिरोध में वोल्टेज सभी प्रतिरोध में वोल्टेज सोर्स या विभव समान होता है, जबकि धारा भिन्न भिन्न होता है। ये तो तुमको अभी बताएं, इस पे लिख के उस पे सर्किट में बनाए थे, धारा भिन्न भिन्न था, जबकि धारा भिन्न भिन्न होता है। तो वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज समान होता है, धारा क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। एक पॉइंट ये भी हो गया, ठीक। तो अब दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट्स में लिख लो या कंक्लूजन में लिखवाएंगे, जब कंक्लूजन लिख दो या निष्कर्ष ऐसे लिखो, अभी लिखवा दें या बाद में लिखवाएं क्वेश्चन लगाने के बाद। इसमें देखो क्या होता है, इसमें न्यूनतम रेजिस्टेंस मिलता है, लिखना चाहो तो लिख लो नोट्स में। सीरीज कनेक्शन में श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस ज्यादा मिलता है समांतर के तुलना में श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस ज्यादा मिलता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं, तो एक इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करा दे रहे हैं। ये थियरी हो गया पैरेलल का और इसका, इसमें एक न्यूमेरिकल करा दे रहे हैं। अब इसमें देखो तीसरा है मिश्र रहता है रेजिस्टेंस। देखो दो पढ़े तुम, एक तो पढ़े तुम सीरीज कनेक्शन, एक तुम पढ़े समांतर कनेक्शन। दूसरा होता है सीरीज और समांतर कनेक्शन, जरूरत नहीं है, मैं कहता हूँ जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। जितना हो सके उतना कम अपने कॉन्सेप्ट को जितना हो सके कम में रखो मटेरियल, लेकिन उसको क्लियर रखो, क्लियर इन द सेंस कि सिर्फ तुमको सीरीज और समांतर पता हो, तुम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे बड़े ही ईजी से। एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, देखो कैसे, एक टफ क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन लिख लो। ये बैटरी से जुड़ा हुआ है और ये कितना है, 20 4, हाँ ये 20 है, ये 4 है, ये 12 है, नहीं गलत हो रहा है, कितना है, 20 4 12 12 4 4, 20 4 12 12 4 6। क्वेश्चन लिख लो, चित्र में लिखो, इसे ऊपर लिखो, चित्र निम्न फिगर में ऐसे लिख सको, फिगर में दर्शाया गया, फिगर में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, निम्न फिगर में दर्शाया गया तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है, इसका क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध आर निकालना है। देखो बहुत ईजी है, आर निकालना है इसका, कैसे निकालोगे देखो, अब मैथड स्टार्ट करेंगे। पहले ये नहीं जोड़ोगे सीरीज में समांतर में कैसे करने, कैसे ऐसा कुछ नहीं सोचना है,
बहुत रिलैक्स, पहले रिलैक्स, रिलैक्स इन द सेंस पहले तुमको ये सोचना होगा कि किस रेजिस्टेंस का कौन सा सिरा कहाँ है, ये डिसाइड करो। पहले डिसाइड करो रेजिस्टेंस का प्लस माइनस कहाँ है। जैसे ये डिसाइड हो गया काम तुम्हारा हो जाएगा। तो देखो बैटरी का हर वक्त प्लस माइनस होता है, जो ये बड़ा वाला देखना इसको प्लस करना, जो छोटा वाला देखना माइनस करना, तुम्हारी मर्जी, लेकिन ऐसे ही करना, एक स्टैंडर्ड माना जाता है, ऐसे ही करोगे तो बेटर रहेगा तुम्हारे लिए भी, हमारे लिए भी और आगे चल के भी। तो एक स्टैंडर्ड माना गया है कि बैटरी का जो बड़ा वाला रहेगा उसको प्लस मानना, छोटे वाले को माइनस कर लेना। अब सारे को बंद करो, बस एक को देखो, एक को देखो, प्लस 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 माइनस, फिर देखो, अब इसको बंद करो, इसको देखो, प्लस 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 माइनस माइनस। एक बात ध्यान देना कि ये जरूर ध्यान देना कि जब तुम प्लस से चल रहे हो तो माइनस पे आके खत्म होना चाहिए। अब भाई मान लो दो लोग हैं, दो लोग हैं, तुम इधर से आ रहे हो या इधर से, चलो इधर से आ रहे हो, तुम इधर से आ रहे हो, तो इधर से जब आ रहे हो तो पहले इसी वाले हाथ से ना मिलोगे, तब ना इससे मिलोगे। तो जब तुम प्लस को लेके चल रहे हो और जो सिरा पहले मिल जा रहा है उसको प्लस लगा दो ना, डेफिनेटली दूसरा माइनस हो जाएगा, डेफिनेटली दूसरा माइनस हो जाएगा भाई, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा है। जैसे हम यहाँ से चल रहे हैं प्लस 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 प्लस, तो भाई यहाँ प्लस आ रहा है, माइनस कैसे लगा देंगे यहाँ भाई, तो पहले यहाँ प्लस लगा रहे हैं, डेफिनेटली दूसरे पे तो माइनस आना ही आना है। उसी तरह से जब चल रहे हैं प्लस प्लस प्लस, देखो इसको लेके चलेंगे प्लस 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 तो आगे ही ना बढ़ेंगे, तो यहाँ प्लस आ जाएगा और डेफिनेटली माइनस आएगा, माइनस 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 खत्म। दूसरे रास्ते चले प्लस 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 माइनस 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 खत्म, फिर चलेंगे तो इस पे प्लस, इस पे माइनस पे आके खत्म, फिर चलेंगे तो ये प्लस, ये माइनस, माइनस पे आके खत्म, फिर चलेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, माइनस पे आके खत्म। अब बताओ डिसाइड नहीं हो गया, डिसाइड नहीं हो गया। हमने क्या कहा था, हमने हर वक्त तुमको यही बताया था सिरा ध्यान देना, सिरा मतलब पहला सिरा कौन है, पहला एंड कौन है, सेकेंड एंड कौन है। जिस बात को अगर पकड़ लिए प्लस माइनस लगाने आ गया तो मैं गारंटी देता हूँ पूरे सर्किट को रिड्यूस करने में तुमको टाइम नहीं लगेगा। अब देखो कितने इजी से काम करोगे। देखो स्टेप वन, स्टेप वन, स्टेप वन तुमको क्या करना था, स्टेप वन करना था, स्टेप वन में तुमको करना था डिसाइड, डिसाइडेड तुमको डिसाइड करना था प्रतिरोध का या रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का सिरा या प्लस रेजिस्टेंस का प्लस और माइनस डिसाइड करना या निर्धारित करना, निर्धारित करना, निर्धारित करना, प्लस माइनस निर्धारित कर दिए। सेकेंड अब तुम स्टार्ट करोगे इसको लगाना, सेकेंड इसको सॉल्व करोगे, सेकेंड कैसे सॉल्व करोगे देखो। आइए एक बात ध्यान देना, अगर तुमको यहाँ बैटरी सीधे सीधे कह दिया है कि तुल्य प्रतिरोध निकालो, इसका मतलब बैटरी के बीच के बोल रहा है पूरा यहाँ से यहाँ तक के, मतलब इनके बीच के निकालना है। और अगर कह दिया ए बी के बीच निकालो तो यहाँ ऐसे भी कह सकता है, इसको ऐसे मिटा के कह देगा ए बी के बीच निकालो, तो ए को प्लस मान लेना, बी को माइनस मान लेना, बात खत्म, ए बी के बीच हो गया। लेकिन एक बात हमारा एकदम एकदम मतलब की पॉइंट है, इसको एकदम जहन में उतार लो, दिमाग में एकदम रख लो, की पॉइंट ये है कि कभी भी जो ये तुम इधर से निकालना है, अगर ए और बी के बीच निकालना है तो यहां से शुरुआत ना करना, शुरुआत इसके जस्ट अपोजिट से करना, शुरुआत इसके जस्ट अपोजिट से करना, बड़े ही इजी से ये सर्किट सॉल्व होगा। दूसरा की पॉइंट, पहला की पॉइंट, पहला शॉर्टकट मेथड ये था कि इसको अपोजिट से सॉल्व करते हुए आओ, दूसरा पॉइंट ये है कि एक एक डब्बा सॉल्व करो, एक एक डब्बा, अभी मत ये डब्बा सॉल्व करना, ये डब्बा सॉल्व करोगे तो कभी नहीं लगेगा, अपोजिट से डब्बा सॉल्व करते हुए आओ। देखो कैसे, देखो यहां पे दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये तार है, यानी कि अगर चाहे तो इसको खींच के हम यहां ला सकते हैं। तो देखो इसका प्लस इसके, इसका माइनस इसके प्लस से, हमने लिखवाया था श्रेणी में कि जब किसी एक प्रतिरोध का, जब किसी एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा किसी दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से कनेक्ट हो तो ऐसे कनेक्शन को सीरीज कहते हैं। देखो यहाँ कनेक्ट हो गया, वही डिफिनेशन, जो डिफिनेशन हमने बताया था वही डिफिनेशन यहाँ कनेक्ट करना है कि क्या इस रजिस्टेंस का दूसरा सिरा इस रजिस्टेंस के पहले सिरे से कनेक्ट है या नहीं है। तो देखो भैया इसका माइनस इसका प्लस से कनेक्ट है, तो कहोगे, कहोगे ये चार और ये बीस, कहोगे चार और बीस, चार और बीस,
20 ओम प्रतिरोध प्रतिरोध पैरेलल है, समांतर क्रम है, समांतर क्रम में है, इसलिए इसलिए समांतर का फार्मूला 1/R1 क्यों ले रहे हो, अभी R नहीं निकाल रहे हो, अभी पहला स्टेप है, इसलिए R1 कौन कौन सा है 1/4 1/20 तो क्या हो जाएगा 20 लघुत्तम 5 1/6/20 R को जब पलट दोगे तो R1 इक्वल टू आ जाएगा 20/6 ओम। ये अभी एक स्टेप हुआ है, इतना लिखो जल्दी जल्दी लिखो, इतना चीज लिखो, चाहे उधर हो जाते हैं, लिखो जल्दी लिखो। चलो वीडियो तुम लोग वॉच करके लिख लेना, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो जब तुम ये लिख दोगे, जब ये R1 निकाले हो, जब ये R1 निकाले हो, ये दोनों मिलके ऐसा हो गया। अब सर्किट ये बना लो, यहाँ पे ये सर्किट बनाओ, इसके नीचे ये सर्किट बनाओ, अब ये हो गया 20/6। अब कहोगे कि सर वहां पे ऐसे था, अगर देखो यहाँ पे कितने दिमाग में ये आता है, कितने लोगों, ये गलत हो गया, ये पूरा गलत हो गया, मिटाओ इसे, गलत हो गया। 4 और 20 सीरीज में थे, यहां देखो 4 और ये 20 था, 4 और 20 ओम, ये समांतर क्रम में नहीं, सीरीज कनेक्शन में, श्रेणी क्रम में है, क्रम में है, ठीक है। अब देखो कितने लोगों को ये डिसाइड करने में दिक्कत होती है कि ये बताइए सर ये प्लस है ये प्लस माइनस है, तुम सीधे सीधे इस पॉइंट पे देखोगे तो इसका प्लस आके मिल रहा है, इसका प्लस आके मिल रहा है, तो तुम कहोगे ये दोनों पैरेलल है। हाँ ये बात सही है कि ये दोनों पैरेलल है, लेकिन इसके साथ एक चीज और भी है, तो पहले इसको रिड्यूस करोगे, पहले जो एक रास्ते में है उनको खत्म करोगे, फिर दूसरे रास्ते पे आओगे, तो इन दोनों को पहले जब हम खत्म करेंगे तो R1 इक्वल टू आएगा, वो गलत हो गया था उसको सही कर लेना, वो गलत हो गया था उसको काट देना, 4 और 20 हो गया 24, कितना हो गया 24 ओम। अब इसको लिख लो, अब देखो अब रास्ता तुम्हारा क्लियर हो गया, अब ये बनाओ, पर फिर से बनाओगे, ये आ गया 24, अब इसको हम मिटा के क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को जब सॉल्व किए तो क्या आया 24 आ गया, इन दोनों को जब सॉल्व किए तो क्या आ गया 24, फिर से बनाओ इसको, दोनों जब सॉल्व किए श्रेणी क्रम में तो क्या आ गया 24 आ गया, इसको फिर से बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ। अब फिर से देखो, अब फिर वही प्लस माइनस का खेल खेलेंगे, अब दोनों का प्लस एक पॉइंट पे आ रहा है, दोनों का माइनस एक पॉइंट पे आया था, हमने कहा था कि जब दो कई से कई प्रतिरोध एक श्रेणी में एक परिपथ में लगे हैं और उनका पहला सिरा एक पॉइंट पे दूसरा पॉइंट दूसरे पॉइंट पे हो तो ऐसे कनेक्शन को क्या कहोगे समांतर, इसीलिए हमने बुक का नहीं अपने लैंग्वेज में इसको बताया है, इजीली वे में समझो जैसे समझ पाओ। अब देखो ये दोनों समांतर में, कहोगे 1/R2, अब तक ये R1 बना था, ये R1 बना था, अब हम कहेंगे 1/R2 24 और 12 इसको सॉल्व करोगे तो 12 और यहाँ आ जाएगा 2+1 कितना आ जाएगा, नहीं, ये 24 होगा, यहाँ आ जाएगा 1 यहाँ आ जाएगा 2 तो हो गया 3 और यहाँ 24, ये 1/R2 है, इसको हम R2 के फॉर्म में जब लिखेंगे तो हो जाएगा 24/3, मतलब पलट देंगे बस दोनों तरफ से पलटेंगे, जब पलटोगे दोनों तरफ से पलटोगे एक तरफ से नहीं, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 3 9 8 24 यहाँ हो गया 8 ओम, नोट करो, एट ओम हो गया। अब यहां देखो अब क्या हो जाएगा सर्किट, अब इसको जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के जगह पे ये दोनों रिड्यूस हो के क्या बन गया 8 ओम बन गया, क्या बना 8 ओम। जल्दी बनाओ सर्किट बनाओ, पास करके वीडियो सर्किट बनाओ, बन गया, फिर वही प्लस माइनस का खेल खेलेंगे, फिर देखेंगे ये माइनस ये प्लस क्या है सीरीज में है, तो फिर जब ये सीरीज में हो जाएंगे फिर कहेंगे 4 ओम है और 8 ओम श्रेणी क्रम में है,
इसलिए आर थ्री बराबर चार प्लस आठ बराबर बारह ओम। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। गुड, हो गया, गुड। पांच करके वीडियो लिख लेना, तो फिर ये हट जाएगा, तो फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ कितना आया, यहाँ आ गया बीस। आठ चार कितना था, यहाँ चार था और यहाँ कितना था, आठ था। आठ चार बारह, अब आ गया बारह, बारह। अब फिर वही प्लस माइनस का खेल खेलेंगे, प्लस 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 माइनस, फिर इस दोनों का प्लस देखो यहाँ आके मिल रहा है, इन दोनों का माइनस यहाँ आके मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, समांतर। फिर कहेंगे 12 ओम, ये सर्किट बना लेना, तथा 12 ओम और 12 ओम किसमें है, समांतर क्रम में है, क्रम में है। इसलिए चूंकि यहाँ लिख लेना, इसलिए R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, R4 लिख लेंगे भाई, R4 लिख लेंगे, समांतर में है तो वन अपन R4 लिख लेंगे। R4 इक्वल टू 12 प्लस R2 12, इसको सॉल्व करोगे तो 12 दो आएगा, इसको पलट देंगे, इसको पलट देंगे तो R4 इक्वल टू 12 बट्टे दो हो जाएगा, तो आ जाएगा 6 ओम, आ जाएगा 6 ओम। जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लोगे, इसको मिटा रहे हैं हम। चलो अब जो ये 6 ओम आ गया, फिर सर्किट को हटा दोगे, फिर सर्किट को ये हटाकर फिर लिख लोगे यहाँ पे ये 6 ओम। लिखो, बनाओ सर्किट, सर्किट जितना बना के सॉल्व करोगे आंसर उतने अच्छा आएगा। अब देखो, अब देखो, प्लस माइनस, देखो प्लस 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 प्लस, माइनस पे आके खत्म होना चाहिए, माइनस से चलो, माइनस माइनस माइनस, प्लस पे जाके खत्म होना चाहिए। इसके लिए देखो प्लस प्लस प्लस, माइनस पे आके खत्म होना चाहिए, माइनस माइनस, प्लस पे खत्म होना चाहिए। दोनों क्या है, दोनों कहोगे 6 ओम एओम, 6 ओम श्रेणी क्रम में है, क्रम में है, इसलिए यहाँ चूकी कर दोगे। अब कोई रेजिस्टेंस नहीं बचा है, अब कोई रेजिस्टेंस नहीं बचा है, तो सीधे सीधे लिखेंगे R इक्वल टू 6 प्लस 6 इक्वल टू 12 ओम। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। जल्दी नोट कर लो, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो व्हाट्सएप कर दोगे, व्हाट्सएप नंबर हम बता दिए हैं पहले ही, लिख लो, फिर से लिख लो, व्हाट्सएप कर देना तुम लोग। चलो बताए तो हैं, पिछले वीडियो में बताए हैं, क्या रोज रोज बताए, तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए यहीं तक एंड करते हैं। थैंक यू।